भाई स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर, गाड़ी की दिक्कत आ गई है, यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। बैग्स वैग्स देखो हमने निकाल लिए हैं, वो रही यशवी, तो इसका अब सीन देखना पड़ेगा यार क्या होने वाला है। टेंशन की बात होगी ये थोड़ी। अब हाँ बगा रहा हूँ अब तो आपको यशवी की आवाज़ अभी उसमें आई होगी वॉकी में, क्योंकि वो अभी उसके साथ बैठी है रुचिर भाई के साथ, और हम अभी चीचम ब्रिज के लिए जा रहे हैं यार। हमने कहा कि फटाफट ना एक बार कर ही आए चीचम, क्योंकि अभी वैसे अंधेरा होने वाला है, वापस आते आते अपने को अंधेरा हो ही जाएगा। तो यार सन सामने से पड़ा और गोप्रो की ना मेरी पूरी दोनों बैटरीज खत्म हो गई, इसलिए मैं जीवी से कर रहा हूँ, थोड़ा बेयर कर लेना, थोड़ा सा शेक इसमें आता है और कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको मैं चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, वो देखो राइट हैंड साइड पे रेनबो, ब्यूटीफुल यार, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सन है और वो रेनबो निकल रहा है वहाँ पर, ब्यूटी, लुक एट दैट। ये हमारे सिंह हम अब आगे आ गए हमसे, इनको रोहित शेट्टी की मूवीज में जाना था गाड़ी चलाते हुए। भाई साहब ये रोड्स यार यहाँ की कुछ तो अलग ही लेवल है भाई इन रोड्स का। चीचम अभी यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर टाइप रह गया है और पूरा ही ऑफ रोड है, ये खड़े ये लोग नीचे शायद शॉट ले रहे हैं, और ये सामने नज़ारा देखो यार, जो यहाँ से नज़ारे दिख रहे हैं ना स्नो वाले, मुझे तो उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो सामने एक गांव है, यहाँ सनसेट हो रहा है, वहाँ पर ना आपका कुछ दिख जाता है कि सन भी एक तरफ दिखता है और मून भी है, तो ये मैं आपको ना कल दिखाऊंगा, शाम से दिखना शुरू हो जाता है, एक तरफ मून एक तरफ सन, बट इस तरफ है चीचम, एकदम ही नीचे गिरावट। ये गाड़ी हमने लास्ट टाइम भी यहीं खड़ी करी थी, अब दोनों गाड़ियां यहाँ लग गई, एक बार पहले होकर आते हैं आगे बाइकर्स। फर्स्ट लुक आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉपर ब्रिज का, सस्पेंडेड है देखो पूरा, भाई साहब ट्रक देख रहे हो यार, ये फॉल देखो जो मैंने लास्ट टाइम में दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा, नीचे ट्रक गिरा था यहाँ से, जूम करते हैं एक बार, ये रहा माचिस की डब्बी लगता है यहाँ से, जब भी कोई यहाँ से निकलता है ना चाहे बाइक हो या गाड़ी हो तो ये पूरा हिलता है और पूरा सस्पेंडेड है ना, हिलता है, कैसी फील होती। मैं तो इसको पकड़ लूंगी अगर कुछ हुआ तो लटक जाएंगे इसको। स्नो का लास्ट टाइम यहाँ पे स्नो नहीं थी ये वाली, हम पिछले साल जुलाई में आए थे तो, बट आज जून में स्नो भी है, ठंड है ना, फील आ गई हाफ में, कैसे हो हॉट लव भाई इज हॉट। आपने कल किसको बोला था ये? सोचो आपको दिखाने के लिए हम भाग के गाड़ियाँ ले ही आए, वरना कैंसिल होने वाला था चीचम। विश मांगो, मैं कॉइन फेंक, ये हम कुछ विश मांग रहे हैं अच्छा, और फिर हम इसको नीचे फेंक देंगे, हमारी पावर्स खत्म हो जाएगी इतने में। क्या विश मांगी तूने? अरे ये क्यों बताऊं, फेंक दे चल, ये तुम भी लो। ओके ये रेंजर्स असेंबल, लव भाई आ जाओ, फेंको फेंको फेंको, वाह ये हाथ नहीं है ये फेंक है, बड़ी विश मांगी तुमने, आवाज आएगी। इतनी जैकेट होने के बावजूद फिर हम एक एक जैकेट ही लेके आए हैं, जरूरत नहीं है रात को ही तो पहननी होती है, बहुत तेज ठंड है भाई, हवा चल रही है, सांस चढ़ रही है, सांस चढ़ेगी भाई यहाँ पर, आपको नहीं चढ़ी अभी तक? ये जिम वाले हैं ना, फिटनेस फ्रीक है, फिटनेस फ्रीक है। साहब सामने एक बार स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखो, अब यशवी बाय द वे वापस गाड़ी में आ गई है ये वाली,
चीचम का ये फायदा है यार कि यहाँ पे ना आके फटाफट आप आगे जा सकते हो, 22 किलोमीटर है काजा से, और यहाँ पे अंधेरा ऑलमोस्ट 7:45 बजे जाकर होता है। अभी सोचो ऑलमोस्ट 7:30 हो चुके होंगे ना, हाँ 7:30 हो रहे हैं और अभी देखो लाइट कितनी है, तो 8 बजे तक तो यहाँ पे अंधेरा नहीं होता है इन समर टाइम, जैसे अभी जून जुलाई टाइप चलता है ना तब। तो भाई ये रास्ता बहुत तगड़ा है चीचम का, पीछे जब पहुँचने वाले होते हो आखिरी 5 किलोमीटर थोड़ा ऑफ रोड है, उसमें मज़ा आता है। उसके बाद जब हम काजा की तरफ वापस जा रहे हैं जैसे, तो 5 किलोमीटर के बाद आगे नॉर्मल रास्ता आ जाएगा। ब्यूटी है यार। लास्ट ईयर तक याद है स्नो कवर्ड थे ये? नहीं इतने नहीं थे, इतने नहीं थे ना, ऊपर ऊपर थी थोड़ी थोड़ी। इस बार ग्लेशियर्स ना थोड़े कम पिघले हैं, और हमने देखो मोटी मोटी जैकेटें पहन ली हैं भाई, वो इतनी ठंड थी वहाँ पे चीचम पे अभी जब हम उतरे। यार एक मिनट, गाड़ी यहाँ मैंने खड़ी करी थी पिक्चर लेने के लिए, तो गाड़ी इतनी सुंदर लग रही है पहली चीज भाई, ऊपर से नज़ारे, सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर, और यहाँ नज़ारे यार, और किसके लिए आता है यहाँ पर कोई, सिर्फ नज़ारे। सामने एक गाँव है पता नहीं कौन सा है यार, मेरा तो ऐसे जाने का ही मन नहीं कर रहा, सो जा यहीं पे, सो क्यों जाऊँ यहाँ पे, मेरे को लग रहा है बस गाड़ी देखता हूँ, और यहाँ से नज़ारे यार। मॉर्निंग गाइज, आई नो आपको लग रहा होगा एकदम से गुड मॉर्निंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने व्लॉग एंड नहीं करा था। आपको होटल के बारे में एक चीज़ बतानी थी कि आपको याद होगा मैं लास्ट टाइम जब हम काजा में रुके थे तो डेलेक हाउस में रुके थे, तो वहीं पे मेरा वैसे था बुकिंग का सीन, बट वहाँ पे पूरा एक राइडर्स का ग्रुप आ रहा था जिनको पूरा होटल चाहिए था, तो भैया के साथ हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत है और ट्यूनिंग है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उनके साथ वाला एक होटल है आप वहाँ पे रुक जाओ, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मैं ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं, तो एकदम साथ वाले होटल में ही है उनके, जस्ट वेरी डिसेंट। जैसे मैंने बोला हम यहाँ पर आके एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि हम बहुत हाई फाई होटल में रुकेंगे और क्या सीन है, मैं को दिखा दूँगा एक बार रूम का भी। देखो पूरे टिप टॉप टो एकदम रेडी हो चुके हैं हम लोग, काजा में हैं। आपको ऐसे बताया था कि आज हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट सीन, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत एक मज़ेदार वाला डे है, और मैं इस डे के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज हम बहुत तगड़ी लोकेशन जाने वाले हैं, उसके बाद गाड़ी में करेंगे, बट पहले हमको 2 मिनट रूम दिखाता हूँ फटाफट, और यहाँ से दिखाता हूँ व्यू जो कि इतना तगड़ा है। डिसेंट रूम है, नॉर्मल ऐसे ही मिलते हैं क्योंकि काजा भी गांव ही है, और आप आके ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा मिल जाएगा कुछ अलग ही लेवल। तो भाई ये देखो, ये तो मैं हूँ मस्त रेडी, और ये जिसको हमने तहस नहस कर दिया है बेड का वैसे, बट ठीक है यार डिसेंट इनफ रूम, और मैं आपको एक बार बाहर तो दिखाऊँगा ही, बट पहले आपको दिखा दूँ वॉशरूम, क्योंकि वो भी हमारे को अच्छा लगा क्योंकि नीट एंड क्लीन वॉशरूम था, तो यही हमारे को चाहिए होता है यार कि बस थोड़ा वॉशरूम से मिले, थोड़ा गीला हो गया, हम नहाए थे अभी। बेस्ट पार्ट है वॉशरूम का कि यहाँ से भी व्यू है तो आप यहाँ बैठ के अपने साथ में व्यू एंजॉय करो भाई, नहाते हुए व्यू एंजॉय करो, और बाहर से अंदर नहीं दिखता, डरने की बात नहीं, वहाँ स्नोफॉल हुई थी तो आपको व्यू में एक बार बाहर से चल के दिखाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर आएगा। चलो 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 चलो, हाँ जी आ गया फिर स्वाद, ये साथ वाला रूम रुचर का है, वहाँ पर है, यहाँ पे बैठने का भी सब बना हुआ है, बालकनी बालकनी अच्छी है। बेस्ट पार्ट है कि गाड़ी एकदम नीचे खड़ी है अपनी, यहाँ रुचर की वो खड़ी, बट व्यू है भाई ये देखो, मतलब यहाँ के आराम से स्टे कर सकते हो, यहाँ बैठो बाहर आकर और व्यू एंजॉय करो, साथ में जो करने करो, वहाँ रात को शायद स्नोफॉल हुई है फ्रेश, बट वेरी ब्यूटीफुल। और ये लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो ये ओलंपिक्स का साइन है और अपने तिरंगे, ये बहुत सुंदर लगता है यार। ये मैं कह रहा था स्नोफॉल हुई है ऊपर, देखो थोड़ी सी है बट हुई है। सुबह ये खड़ी अपनी गाड़ियाँ गंदी हो गई जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, और ये रही अपनी यशवी, बट ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हम निकलने लगे हैं अपने लांगजा की तरफ जहाँ पे है बुद्धा वाला स्टैचू। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके, बहुत प्यारी सी एक लोकेशन है यहाँ पे, वहाँ ब्रेकफास्ट करना था बट वहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला था, हमने कहा नहीं यार हम बाहर आके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये है ब्लू माउंटेन होटल एंड कैफे, इनके पास रूम्स भी हैं काफ़ी बढ़िया बना हुआ अंदर भी। सो और नज़ारे तो यहाँ पे खैर हर जगह ही आते हैं, चाहे कहीं रुक जाओ, ये अपनी खड़ी है सफारी, अभी हम एक ही गाड़ी लेकर आए हैं, एक अभी होटल पे ही है, फिर अभी वापस जाके वो उठा के अपना निकलेंगे आगे। सैंडविच कुछ ज़्यादा छोटे नहीं लग रहे भाई, हमारे को फाइनली पूरी भाजी मिल गई है, सबसे ज़्यादा खुश है ये लड़का अपना, इतने दिन से हम सिर्फ पराठे ही खा रहे हैं, पराठे या नूडल्स, नूडल्स नूडल्स या पराठे, आज जाके कुछ डिफरेंट मिला, आज जाके बड़े पूड़ियाँ कम लग रही है वैसे।
हाँ जी तो भाई GoPro हमारा अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत दे रहा है। मैं पहले आपसे जो बात कर रहा था ना उसमें GoPro ऑफ हो गया था, एरर देता रहता है। सो मैं ये बोल रहा था कि इस बार ना गर्मी है यहाँ पर, धूप काफ़ी तेज़ है। हम लास्ट ईयर आए थे जुलाई में, तब थोड़ा वही था ना ओवरकास्ट टाइप का सीन था, तो मुझे याद है हमने जैकेट वगैरह पहनी थी इस टाइम पे। पर रात को उतनी ठंड अभी भी वही है, देखो हवा तो ठंडी है ना, तो यहाँ पर दिन में धूप में आपको तपेगा काफ़ी, तो सनस्क्रीन वगैरह रखना याद से भाई, बहुत तेज़ धूप जलाने वाली होती है। बट हम जा रहे हैं लांगजा, यशवी की फेवरेट जगह, बुद्धा स्टैचू देखने। हाँ, और धूप की एक और अच्छी चीज होती है क्लाउड फॉर्मेशंस बनती हैं ऐसी, और ये इतना प्यारा व्यू फिर दिखता है ना, और कैमरे में भी बहुत अच्छा आप लोगों को भी दिखाई देता है, ओवरकास्ट में भी वो कलर्स नहीं आ पाते भाई। ऊपर यहाँ से ऊपर ये देखो भैया, वेलकम टू द फॉसिल एरिया। सो भाई पहली चीज मैं आपको एक बताऊँ, फॉसिल एरिया का जो भी है ना आपको दिखाया ना, ये क्योंकि पहले पूरा मैंने लास्ट अपने सीरीज में भी बात बताई थी, क्योंकि हिमालयस पहले पूरा ओशन होता था, तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से जब वो क्रैश हुई थी तो उससे सारे पहाड़ बने थे और अभी तक ग्रो करते हैं। तो क्योंकि ये सारा ओशन था तो अभी भी यहाँ पे ना फॉसिल्स मिलते हैं वो वाले, और हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिल जाते हैं पत्थरों में, मिट्टी में ना मिल जाते हैं कई बार, और शॉप्स भी होते हैं, मुश्किल होता है अचानक दिख जाए तो बात है। तो अभी जैसे मैंने बोला हम लांगजा की तरफ जा रहे हैं, 12:30 हो चुके हैं, और ऐसे लांगजा अराउंड 40 मिनट्स है, 14 किलोमीटर, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ यार। तो सही है यार, अब सारी चीजें पास पास ही है, जो आज वाली बेल्ट है अपनी पूरी एक्सप्लोर करेंगे, जहां जहां जाएंगे आपको फिर बताते जाएंगे साथ के साथ। क्या नजारे हैं यार, मन कर रहा है वहीं चली जाऊं, वो सामने वाला जो विलेज है उसमें जा जा, चली जा ऐसे पक जा। पर ऐसे कैसे जाऊं, छोड़ के आना पड़ेगा ना। ओए ओए ओए, हम लांगजा होके आते हैं, फिर बुद्धा वाले स्टैचू नहीं जाना ना तेरे को? नहीं, वो तो मेरी फेवरेट जगह है। फिर कितना सुंदर नजारा, लेकिन देख क्लाउड से कितना ज्यादा सुंदर हो जाता है ना तुम्हारा। अच्छे लोग होते हैं ना, कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। जेसीबी भी खड़ी है सारा यार, रोड्स बना देंगे फिर ये मजा नहीं आएगा जो अभी आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ना इनको छोड़ देना चाहिए कुछ चीजें ना, एडवेंचर एंथुसियास्ट या ट्रैवलर्स के लिए। जैसे देखो सामने क्या मस्त हो रखा है यहाँ, अपनी दूसरी सफारी सामने चल रही है रुचिर भाई की, वरना हमारी तीन होती अगर कार्तिक भाई वापस नहीं गए होते। बट कार्तिक भाई अगर मुझे पता आप देखोगे वाले व्लॉग सारे, वी मिस यू कार्तिक भाई, ये ट्रिप हम दोबारा से करेंगे एक बार ताकि आपके साथ कम्प्लीट करें। भैया लैंड स्लाइड हो रखा है, आप देखो यहाँ पे गिरा जेसीबी, ये बड़े बड़े पत्थर हटा रहा है, सारे नीचे गिरे हुए हैं। तबीयत खुश हो गए ना इस रास्ते से भाई बहुत है, लेकिन ये देखो यार बहुत ही बुरी तरह। बट सोचो यार अगर ये लोग काम ना करें बीआरओ वाले, और ये कॉन्स्टेंटली रहते हैं एकदम, कि जहाँ भी हो फटाफट पहुँचना है। 800 सेंट सही में यार, जैक्टा शैक्टा उतर गई ने, इंजन गर्म हो गया, कर दिया क्या इसने, हो गया चलो 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 चलो, हो गया कह रहे हैं चलो। जगह पे गाड़ी रोकी है, 2 मिनट हो चुके हैं, गाड़ी का फैन ऑफ नहीं हो रहा है क्योंकि इतना ऑफ रोड में इसको दिक्कत पड़ी, दिक्कत नहीं बट जो लोड पड़ा है ना उससे थोड़ा अपने आप को ठंडा कर रही है, और गंदी होकर इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊं। ये लोकेशन किस किस को याद है लास्ट ईयर से, ब्यूटी। अबे लोकेशन की बात कर रहा था, ब्यूटी तेरी नहीं करी थी मैं अपने स्टेप्स रिहर्स कर रही हूँ, क्या पता रील बनाऊं यहां। लास्ट टाइम भी हम इसी लोकेशन पर रुके थे और यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी, जहाँ मेरी वो पिक्चर है जो मेरे घर में बड़ी होके फ्रेम करके लगी हुई है। क्या बात है, लोकेशन देखो यार एक बार,
क्लाउड्स ना हो ना भाई अगर, तो ये लोकेशन ऐसी लगे ही ना कभी। यार आपकी गाड़ी तो इतनी गंदी नहीं हो रही, मेरी इतनी सड़ी हुई क्यों हो रही शीशे? क्योंकि मैं हमेशा आपके आगे चल रहा हूँ और मेरी धूल सारी आप। इसलिए तो भाई आज फिर से तूफानी कुछ करने का मूड कर रहा है हमारा, जो करता रहता है ऐसे ही, हमारे को चुल होती रहती है। साइड हो जाए थोड़ा सा यशवी। तो हम गाड़ी उतार रहे हैं इधर, जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी के ऊंचे ऊंचे बने हैं, बट रुचिर भाई ने हिम्मत दी है कि उतार लेंगे इनको। उतार के दिखाओ पहले आप, देख के दस रहा है तो भाई, इनका तो 4x4 है यार, क्या बात है। सही, मेरी आ जाएगी आराम से, सफारी है। कह रहे सफारी, क्या लग रही है ना गाड़ी उधर, सफारी सब कर सकती है। अब मारी बारी। वैसे कूलेंट है, ठंडा होता रहेगा वो। हाँ लेकिन कूलेंट भी तो नीचे आ रहा है ना। सो गाइज, एक छोटी सी दिक्कत हुई है, जैसे रुचिर भाई ने अपनी गाड़ी वहाँ लगाई थी, मेरे को भी वहीं पे करनी थी, तो हम सोच रहे थे एक शॉट लेंगे अच्छा सा, बट भाई मैंने जब गाड़ी चलाई तो कुछ अजीब सी आवाज़ उसमें ज़्यादा आ रही थी। फिर रुचिर भाई ने देखा यहाँ से इसका कूलेंट भी लीक हो रहा था। सब सीन क्या हुआ है रुचिर भाई? सीन ये है कि इसके दो फैन है रेडिएटर के, एक फ़ैन पूरा ये टूट गया, तो ये काम एक फ़ैन नहीं कर रहा, एक पे लोड आ रहा है तो गाड़ी हीट हो रही है, और कूलेंट प्रेशर से बन रहा है, प्रेशर बना रहा है तो वो लीक भी हो रहा है। हाँ तो अभी हमने ये डिसाइड करा है कि भाई जो ये वाली गाड़ी है हम इसको यही छोड़ रहे हैं अभी, अब मेरी वाली रुचिर भाई की गाड़ी से हम जाएंगे लांगजा, और ये गाड़ी क्योंकि मुझे ठीक करानी पड़ेगी, मैं अगर इसको हम लेकर गए तो पूरा इंजन बैठने का चांस है यार, उतना हीट अप हम इसे कर नहीं सकते। तो अभी हमारे पास ये कम से कम एक अच्छा ऑप्शन था कि हमारे पास दो गाड़ियाँ थी आज, अगर हम यशवी और मैं होते तो हम फंस गए थे। तो चलो रुचिर भाई की गाड़ी में चल, वहाँ की फोटोज तो मेरे लेते हैं, मेरे तक मेहनत से उतार दी नीचे। उसके बाद चलते हैं लांगजा, लांगजा से मैं वापस से नीचे लेकर जाऊँगा काजा, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा ठीक कराएंगे, फिर आगे का देखते हैं, बट इसको भी यहीं खड़ा करेंगे।